नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैश्क गौरी। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग है और ये जंग कितनी बड़ी है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इसके नतीजे ही तय करेंगे कि राज्य में आखिर किसका राज होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग को कुछ ही दिन का वक्त बचा है और सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं और इन सीटों पर ही सभी की निगाह टिकी हुई है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है तो चंबल संभाग में अंबा सीट भी काफी अहम है जहां रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे अंबा के अखाड़े की, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सत्ता के संग्राम के। मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मुरैना जिले की अंबाह मुख्य सीटों में से एक है। मुरैना जिले की सुरक्षित सीट होने की वजह से अंबाह में चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखता, लेकिन इस मरतबा अप्रत्याशित चुनाव में मतदाता मुद्दों को लेकर अपेक्षाकृत ज्यादा मुखर है। बेरोजगारी की वजह से पलायन, उच्च शिक्षा और खास तौर पर बालिका शिक्षा का अभाव है। ऐसे में 2 साल पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कमलेश जाटव अब उपचुनाव में बीजेपी से मैदान मारने की तैयारी में हैं, तो मतदाता फिर उनका ही साथ देंगे या बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करें, उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अंबा में किसके चलेगी आंधी, एक बार फिर कांग्रेस या आपकी बार बीजेपी, क्या बसपा बिगाड़ी की किसी का गणित। अंबा विधानसभा सीट पर कमलेश जाटव के कांग्रेस से बगावत के बाद महज 2 साल में फिर चुनाव होने जा रहा है। कमलेश जाटव ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और अब वो कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ मुकाबले में सत्य प्रकाश सखवार को उतारा है, जबकि बसपा से भानु सखवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर बसपा कमजोर नहीं है, ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कमलेश जाटव करीब 7,500 मतों से जीते थे। वहीं बसपा के सत्यप्रकाश सखवार 22,000 से ज्यादा वोट हासिल दूसरे पायदान पर रहे, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नेहा किन्नर 29,800 के करीब मतों के साथ दूसरे नंबर पर आकर सबको चौंकाया था। मतलब पिछली बार मुकाबला चतुष्कोणीय हुआ था। वहीं इसके पहले 2013 में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अंबा सीट पर बसपा के सत्यप्रकाश सखवार ने बीजेपी के उम्मीदवार बंसीलाल जाटव को हराया था, जबकि कांग्रेस के अमर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। जबकि 2008 में बीजेपी के कमलेश सुमन जाटव ने 29,000 से अधिक मतों के अंतर से बाजी मारी थी। आइए अब जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। 2 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली अंबा सीट पर करीब 50,000 ठाकुर मतदाता है, 35,000 सखवार, 15,000 के करीब ब्राह्मण और 10,000 से ज्यादा जाटव वोट है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट होने से यहाँ निर्णायक स्थिति स्वर्णों की ही रहती है। 15,000 वैश्य वोट भी चुनावी गणित को प्रभावित करते हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो क्षेत्र में इनकी कमी नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। क्षेत्र में सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। खैर, अब इन सबके बीच कौन अपने दमखम से किसे बेदम करता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अंबाह का अखाड़ा बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं और अब से कुछ देर बाद हमें भारतीय जनता पार्टी से अजय जी भी ज्वाइन करेंगे। फिरोज जी, रिपोर्ट आपने देखी, अंबाह का अखाड़ा है, जिस तरह से कमलेश जाटव चुनाव जीते थे, पहले स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही थी और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में इन्फ्लुएंस कर लिया है आप लोगों ने वोटर्स को कि उपचुनाव में आपको अंबाह सीट मिल जाए? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो वहाँ की माटी की खासियत है कि लोग अपनी बात के जबान के पक्के होते हैं।
जो ये गद्दारी हुई है, ये गद्दारी तो ये जनता का मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि हमने 11 महीने में जो काम किए थे और जो हमारी सरकार ने जिस तरीके से किसानों के लिए काम किया, बिजली 100 रुपए में बिजली दी हमने, और अभी हम एक नई चीज लाए हैं कि हम किसानों को समर्थन मूल्य पे उनकी फसल उपज बिके, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम एक कानून बनाएंगे जब जैसे भी हम सरकार में 10 तारीख के बाद आते हैं। तो ये हमारा एक नया वादा है किसानों के लिए। आप हर चीज पुराना वादा पूरा नहीं किया, नया वादा कर दिया। क्यों? पुराने हमने जो वायदे थे, जो हमें समय मिला था, हमने 574 वचन पूरे किए 974 में से। अब जितना समय था, अगर हमने तो वचन पत्र 5 साल के लिए बनाया था, लेकिन उसमें भी हमने आधे से अधिक वायदे जो अपने थे वो पूरे किए और हर चीज को शुरू कर दिया था हमने काम करना। अतिथि शिक्षकों की बात हो, संविदा कर्मियों की बात हो, विद्वानों की बात हो, आप बिजली की बात तो करो, जो समय सीमा के अंदर में पूर्ण हो सकते थे वो समय सीमा के अंदर में पूर्ण भी हुए, लेकिन जो थोड़े लॉन्ग टर्म थे कि उनको समय लगना चाहिए था वो लगे। हमको तो भारतीय जनता पार्टी आठाने चाराने भी नहीं छोड़ के गई थी खजाने में, हम ही को सब काम करना था ना। मार्च में सत्ता संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि खजाना तो खाली था, लेकिन फिर भी हमने अरेंजमेंट किया, फिर भी हमने किसानों के ऋण माफ किए, उनको हमने तमाम चीजें दी है, मुहैया कराया है। अगर शिवराज सिंह चौहान कर सकते थे मार्च में सत्ता में आके, खजाना तो उनको भी खाली ही मिला, फिर वो भी कर्ज लेकर ही प्रदेश को चला रहे हैं। यही स्थिति का वो विशाप की भी थी। उन्होंने कर्ज लेके प्रदेश को चलाया, लेकिन जनता को क्या दिया? वैक्सीन फ्री दी नहीं, इलाज फ्री दिया नहीं कोरोना में, रोजगार के लिए लोगों की मदद नहीं की उन्होंने कोरोना में। किया क्या है उस सरकार ने? लोगों के खातों में पैसे डाले तो किसी के 12 रुपए आ रहा है, किसी के 15 रुपए आ रहा है, किसी के 20 रुपए आ रहे हैं। दोनों ने किया क्या है? यही तो सवाल है कि आपने जो दृष्टि पत्र बनाया था 2018 में, क्या आपने उस दृष्टि पत्र का एक भी बिंदु पूर्ण किया? कांग्रेस पार्टी से सवाल तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन वो अपने बिंदु तो बताए, और वो ये बताए हमने तो दो ये घोषणा पत्र बनाए हैं हमने, एक अम्बा विधानसभा के लिए अलग से बनाया है और एक पूरे प्रदेश के लिए जो बनाया है कोरोना काल के बाद जो बदली हुई परिस्थिति है उसको लेके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं बताई। 7 महीने में उन्होंने क्या किया, कौन कौन से झंडे गाड़े वो भी नहीं बताए, और आगे आएंगे तो वो कौन से झंडे गाड़ेंगे ये भी नहीं बता रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे चुनाव कैंपेन को घुमा रही है चारों तरफ से। आज भी मैं देख रहा था शिवराज सिंह जी ने बयान दिया कि हम किसानों को लेके मूर्ख बना रहे हैं। जब पंजाब सरकार एमएसपी को लेके नियम बना सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि डबरा में, भांडेर में, ग्वालियर और इन जिलों में जो धान है, धान का भाव जो है 1100 रुपए, जबकि वो 2500-3000 बिकता था। तो किसान तो परेशान हो रहा है, खाद की किल्लत हो रही है, उस किसान परेशान हो रहा है। ये जब 100 रुपए में कांग्रेस बिजली देती थी, 1,08,00,000 परिवारों को हम दिया करते थे, तो वो बिल आते रहना चाहिए थे, आज क्यों हजारों में बिल आ रहा है? तो इन बातों का तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। अब के कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया करती तो 15 साल का बखान क्यों कर रही है? क्योंकि कई ऐसी तमाम योजनाएं थी, लाडली लक्ष्मी बेहद ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी जिसका लाभ वाकई में ग्राउंड जीरो पर लोगों को मिल रहा था, आपकी सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। ठीक उसी तरह से जब बीजेपी शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में सत्ता संभाली तो उन्होंने भी आपकी योजनाओं को बंद कर दिया। तो ये पॉलिसी तो आप दोनों ही पार्टियां मिलकर चला रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आपका बंद कर देंगे, आप आएंगे तो हमारा बंद कर देना। 2018 में लोगों से बात की थी, के सामने ये बात कही थी कि हम उन योजनाओं का पहले जब क्रियान्वयन देखेंगे कि उनका क्या क्रियान्वयन होगा। मुझे ये पता है कि लाडली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट तो बहुत बटे, लेकिन उनका उसकी राशि किसी कन्या को मिली है ऐसी मेरी जानकारी में कोई नहीं है। हमने 51,000 जब 28,000 से 51,000 की थी तो वो भलाई के लिए की थी। शिवराज सिंह जी बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या चीज उसमें देखी कि 51,000 से वो वापस उसको 28,000 कर दी, कन्यादान हो, जो निकाह योजना थी सरकार की। लेकिन वो भी तो नहीं मिला ना लोगों को, वो भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि भले आपने राशि बिल्कुल बढ़ा दी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने किसानों के कर्जे को माफ कर दिया था और उसका भी आपने पेन ड्राइव भी जारी कर दी, तमाम चीजें कर दी, लेकिन लाभ नहीं मिला।
जब उनके कृषि मंत्री ने विधानसभा में ये बता दिया कि 11,646 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए और 26,95,000 किसानों के कर्जे माफ हुए और तीसरे चरण की जो प्रक्रिया थी वो चालू थी, ये उन्होंने बता चुके हैं वो विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्या संचनालय महिला बाल विकास से लिखवा के ये जानकारी मीडिया से साझा की है कि 51,000 रुपए किसी बच्ची को, किसी कन्या को नहीं मिले? आज तक ऐसी कोई मेरी नजर में तो कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो मैं कहता हूं अभी भी चुनावों में समय है, आपकी सरकार है, आपके पास रिकॉर्ड है, आप मीडिया से साझा करिए कि 51,000 किसी कन्या को नहीं मिले, तो हम कांग्रेस पार्टी उसका जवाब दे देगी। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं। देखिए, हमने तो कब कहा कि हमने पूरे वायदे पूरे कर लिए, लेकिन हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चालू कर दी थी ट्रेनिंग की, जो शहरी क्षेत्रों में थी, जिसमें स्टाइफंड दिया जाना था लोगों को, उसके एनरोलमेंट शुरू हो गए थे, तो काम तो शुरू कर दिया था। फिरोजी, ये तो मानना पड़ेगा आपने भले काम शुरू कर दिया, लेकिन आप लोग भी जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ट्रांसफर उद्योग में आप लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में इतने ज्यादा बिजी रहे कि जो आपका जो मौजूदा जो इस वक्त इस सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, जो अधिकारी थे वो भी आप लोगों से नाराज हो गए, जो पार्षद हार गए थे चुनाव वो भी जाके दबंगाई से अपने काम अड़ीबाजी में कराने लगे थे, क्योंकि उनको भी बहुत लंबे वक्त बाद सत्ता मिली थी, ये मानिए नाराजगी थी। देखिए, अगर ऐसा था तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से ये जो ट्रांसफर हुए हैं, ये क्या चीज है? और कौन सी सरकार ट्रांसफर नहीं करती है? और हम लोगों ने ऐसे कौन से बढ़ चढ़ के ट्रांसफर कर दिए? हाँ, ये ट्रांसफर जरूर किए हैं कि जो शिक्षक थे, जो बेचारे अपने परिवारों से दूर रहते थे, और ट्रांसफरों के लिए उनके लिए एक नीति लाए और ऑनलाइन ट्रांसफर कराए, और ऑनलाइन ट्रांसफर में बहुत सारे 40-50-55 हजार जो थे शिक्षक, उनको फायदा हुआ। तो ये काम गलत है, तो ठीक है, हमको ये गलती मंजूर है। अगर हमने शिक्षकों को किया कहा कि आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए अपना आवेदन, उन्होंने ऑनलाइन जमा किया, सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया स्वयं के वे पे, ये काम तो हमने किया है, तो अच्छा काम किया है। ये हम इस वक्त डिबेट में हमें ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन अजय जी ने। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। अजय जी, सवाल बहुत सारे हैं, आप हालांकि जब डिबेट में लेट आ रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतते जीतते भी वक्त लग जाए और सरकार भी ऐसी ही लेट लतीफी में बन जाए या बन ही ना पाए। रश्मि जी, पहले तो मैं स्वराज चैनल पे बैठते हुए आप सबको पहले तो मैं अपनी ओर से माफी मांगता हूँ कि 2 मिनट लेट हो गया, परंतु हमारे यहाँ नवरात्रों 2 मिनट लेट नहीं अष्टमी, नहीं, जो भी अष्टमी का आज मेरे यहाँ कन्या पूजन का था, उनको नवरात्रि का कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं आपके इस चैनल पे पहुंचा हूं। आज का विषय जो है, आज के विषय पे मैं आपको विषय पे आ जाता हूं कि देखिए, जैसे जैसे चुनाव में कसावट आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस बीजेपी में ढिलाई आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस इस परिदृश्य से गायब होती जा रही है। आप तो मुझे लगा आप कहने वाले बीजेपी में ढिलाई आती जा रही है। देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। कांग्रेस में एकमात्र कमलनाथ जी बेचारे अपनी पूरी ताकत झोंके डाल रहे हैं। इस परिदृश्य में ना दिग्विजय सिंह जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, ना युवाओं का नेतृत्व करता मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद नकुल नाथ कहीं दिख रहे हैं। स्थितियां ये है कि बद से बदतर दिन प्रतिदिन कांग्रेस की होती जा रही है, और 3 तारीख के दिन जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का विदाई समारोह में हो जाएंगे, और वो मध्य प्रदेश से उनकी रवानगी तय है जी। शायद इसलिए आपकी बीजेपी से कैंडिडेट कहती हैं कि भाई हमें देखो पार्टी जाए भाड़ में। अंबाह का अखाड़ा में बीजेपी से प्रत्याशी कमलेश जाटव हैं, तो वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार हैं सत्य प्रकाश सखवार। उपचुनाव की जंग में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का आखिर क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं और चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। हमारे यहाँ दल बदल का मुद्दा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा जो चल रहा है मुद्दा, वो सब मुद्दा है विकास का। मैं 15 महीने के कार्यकाल में विकास के ऊपर कांग्रेस से चुना था, और उम्मीद थी जब कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में वो विकास कार्य में मैं खड़ा नहीं उतर पाया, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया और बीजेपी सरकार में सदस्यता ग्रहण की। आज जो बीजेपी सरकार के द्वारा मुझे अम्बा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है,
वो मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, सिर्फ विकास की मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ। जो मैं 15 महीने के कार्यकाल में विकास नहीं कर पाया, 6 महीने के कार्यकाल में जो मैंने 5 साल के टारगेट लगा के मुद्दा सोचे थे, 6 महीने के कार्यकाल में पूर्ण हो गए। आज की स्थिति एक ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि ये मध्यवर्ती उपचुनाव हो रहे हैं, मध्यवर्ती चुनाव हो रहा है, ये कोई आम आसानी से नहीं हो रहा, आम तौर पर नहीं हो रहा है। इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने इन विधायकों को खरीद फरोख्त करके जिस प्रकार से सरकार गिराई है, तो पूरी जनता में आक्रोश है। हमारी टक्कर न भाजपा से है न किसी और से है। जनता की अपेक्षा यही है कि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में रोड़े बने, तमाम रोड़े हैं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की, और जब मैं विधायक था तब मैंने कम से कम 70 रोड़े कई बार उठाई विधानसभा में, मगर वो हमें BSP में था, 4 लोग थे हम, तो इसलिए हमारी सुनी नहीं गई है। ये यही और पूरे क्षेत्र में रोजगार की समस्या है। रोजगार हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी की सब सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, नौकरी हो कहीं नहीं लग रही, पूरी सभी छात्र हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो रोजगार की बड़ी समस्या है। अजय जी, आपके कैंडिडेट की मासूमियत पे तो जनता यूं ही बारी जाएगी, कितनी मासूमियत से बोल रहे हैं कि 15 महीने में वो कुछ कर ही नहीं पाए, जो भी विकास किया है वो सीधे सीधे 6 महीने में 7 महीने में किया है। और इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी इसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रही थी, 15 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे की सत्ता को संभालते हैं, बागडोर संभालते हैं, मतलब उन्होंने सीधे सीधे इनडायरेक्टली कह दिया कि मुख्यमंत्री भी निष्क्रिय थे, 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो अभी अभी हुआ है, 6 से 7 महीने में। रश्मि, मैं अनेकों बार आपके इस चैनल पे एक ही बात को आज फिर पुनः दोहराते हुए बता रहा हूँ कि कांग्रेस का विकास कार्यों के ऊपर कभी ध्यान रहा ही नहीं। कांग्रेस चुनाव जीतती है एक हवाबाजी के चलते। आप ये देखेंगे कि वास्तव में आज के समय पे कोई सरपंची का इस्तीफा नहीं देता है, एक पार्षद भी होगा ना उसको भी इस्तीफा देने से 100 बार सोचते हैं। आज अगर वो जनप्रतिनिधि और एक विधायक अगर विधानसभा में इस्तीफा देके चुनाव लड़ रहा है, निश्चित करना चाहूंगी, रही बात इस्तीफा देने की, तो अगर इस्तीफा दिया और उन्होंने जनता के लिए इस्तीफा दिया है और जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तीफा दिया, तो बराए मेहरबानी इन्हीं लोगों से आप चुनाव का खर्चा वहन करवाइए ना। क्यों मतलब जनता के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है? आपको जानकारी है और नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको जानने की कोशिश कीजिए। मैं दोनों ही दलों को मैं आपको बताऊं। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जितना खर्चा एक सीट पर आता था ना, वो खर्चा बढ़ गया है, 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ा है एक सीट पर चुनाव के लिए। इतनी मासूमियत से आप लोग स्टेटमेंट दे देते हैं कि जनता वाकई में इतनी बेवकूफ लगती है आप लोगों को। राष्ट्रीय किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसे आपको भी भली भांति जानती होंगी। मध्य प्रदेश में चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है? मध्य प्रदेश में अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी है? मध्य प्रदेश में अगर 28 विधायकों के चुनाव, नहीं, देखिए इनसे अपना घर नहीं संभाला गया, ये अपने बोझ के तले डूब गए। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को आशाए छोड़ दिया। क्या वजह थी इनको, जवाब दीजिए, क्या वजह थी कि अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए? क्या वजह थी फिरोज जी? अरे मध्य प्रदेश आप चुप हो जाए श्रीमान, मैं बोलूं। मध्य प्रदेश की सरकार आप चुप हो जाए तो मैं बोलूं, इसके लिए दोषी कांग्रेस पार्टी। अरे आप चुप हो जाइए, आप तो मुझे बोल रहे हैं। ऐसा है रश्मि जी, ये ऐसा कह रहे हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस बच्चे को गोदी में ली थी वो रो रहा था, तो अपने बच्चे को गोदी से उतार दिया इन्होंने और पड़ोसी के बच्चे को इन्होंने गोदी में ले लिया, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, हमारे घर में झगड़ा हुआ, ये लोग आपके यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आपका वो जो दिल जो आप दे रहे हैं, आप सुनिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अरे आप चुप, आप इस चुप में मत बोलिए, विधायक बच्चे होते हैं। अरे सुन लीजिए, छोटे, हाँ वही आप कह रहे हैं, वही आप कह रहे हैं। इसके विधायक, अरे वही कह रहे हैं आप, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। अरे रुक जाइए आप, अरे रुक जाइए, अरे आप पहले चुप तो हो जाइए कि हमसे सरकार, अरे आप चुप तो हो जाइए, मुझे तो बोलने दीजिए। कोई ये बेंगलोर लेके गए थे, वहाँ इनकी इनके एक अरविंद भदौरिया जी हैं, वो चौकीदारी कर रहे थे, सुन लीजिए सरकार का। अरे आप तो गए थे ना, अब आप ये मत पूछिएगा कि मेरे घर चोरी हो गई तो पुलिस कहाँ थी, ऐसा मत बोलिए। आप घर के दरवाजे खोल क्या कर रहे हैं ये लोग, आप क्या कर रहे हैं? और जनता से पूछिए क्यों जनता भगा रही है इनको, किसी को गद्दार बोलती है, किसी को धक्का मारती है, किसी को घुसने नहीं देती। आपका देव दुर्लभ कार्यकर्ता,
कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी, अरे शर्म आनी चाहिए आपके नेताओं को, शिवराज जी को और माननीय नरोत्तम जी को, कि जिस मेहनत खून पसीने से स्वर्गीय पशुभाव ठाकरे ने जिस बात को भी अनदेखा करके जिस पार्टी को महिला को एक खड़ा किया, महिला को आइटम कहते शर्म आनी चाहिए। अजय जी, अजय जी बीच बीच में बोलेंगे ना तो बहस नहीं हो पाएगी। अजय जी आप आज अजय जी आप मर्यादित भाषा का प्रयोग आप असंसदीय भाषा बोली, आप कौन सी मेरी असंसदीय भाषा बोली है बताइए बताइए। रोटी पूछिए मैंने भाषा का प्रयोग किया का आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने बताइए। सभा में एक सभा के अंदर एक महिला को इस प्रकार से अमर्यादित भाषा बोलना क्या? क्यों आप डिबेट को डाइवर्ट करें? अगर आप इमरती देवी की अगर उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई है अगर उसको लेकर अगर डिबेट करना चाहते हैं तो हमें ये डिबेट नहीं करना। अगर उसका जिक्र होगा तो फिर बिसाहूलाल सिंह के स्टेटमेंट का भी जिक्र होगा। फिर उसके बाद इमरती देवी ने जिस तरह से कहा कि पार्टी गई भाड़ में, इसका भी जिक्र होगा। जिस तरह से उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अशोकनीय आप सवाल पूछे जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री को शर्मानी चाहिए तो मुझे उसका जवाब देने का अधिकार है और मैं उस जवाब देने के लिए इसी चैनल आप अपने बारी में बोलिए ना, मैं कहां मना कर रहा हूँ आपको? डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं हम, अंबा के अखाड़े की बात कर रहे हैं, कहां आप इमरती देवी डबरा पे जा रहे हैं? बस एक ही मुद्दा बचा है क्या बीजेपी के पास? और क्या जमीनी हकीकत नहीं है? जमीनी हकीकत से क्या जिस तरह से इमरती देवी को डर सता रहा है कि हाँ उनकी वाकई में पखिया उखड़ने वाली है तो इसलिए मतलब वो कह रहे हैं कि पार्टी क्या मुझे 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 ऐतराज है। मैं ये कहना चाहता हूँ चुनाव जीत हार से किसी महिला के चरित्र पे बात उठाना चुनाव जीत हार के लिए और चर्चा की शुरुआत यही से हुआ फिर से करेंगे। सुनिए जनता क्या कह रही है। विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन्होंने वोटों के नाम पर लोगों को ठगा है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ना तो यहाँ स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना सड़क है। सबसे बेसिक मुद्दा है स्वास्थ्य। यहाँ पर तकरीबन 10-15 साल से महिला डॉक्टर यहाँ अंबा अस्पताल में पदस्थ हो ही नहीं पाई है। जब भी महिला की डिलीवरी संबंधित कोई भी बात आती है तो व्यक्ति को चाहे सुबह शाम कभी भी मतलब इमरजेंसी सीधा ग्वालियर या मोरेना भागना पड़ता है। मुख्य मुद्दे ये है सर कि तो युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, दूसरी बात बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये समस्या है सर। कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे कर्ज माफी के लिए वो एक आधा परसेंट भी माफ नहीं हुआ, ये मान के चलिए आप। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो जरूर किसानों के कर्जे माफ होंगे। जी आपने जनता की बातों को सुना है, वो दोनों ही दलों से खुश नहीं है। आप खुद सुन रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई महिला चिकित्सक नहीं है, रोड नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। क्या है 15 साल में फिर क्या किया? बार बार 15 महीने तो ठीक है, 15 साल का भी तो जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। आपने मुझसे कहा कि वहाँ निरंतर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में तो आप रहे हैं। सत्ता में विधायक के ऊपर, अगर विधायक अपने क्षेत्र में अगर काम करवाना नहीं चाहता है, विधायक अपने क्षेत्र में जनता की सुविधा मूलभूत सुविधाओं को नहीं करना चाहता तो इसके लिए अपराधी, तो 2013 से 2018 तक के लिए अपराधी आपका ही विधायक था, इसके लिए अपराधी वो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि की सोच पे है कि वो अपने क्षेत्र को मतलब विकास की ओर ले जाना चाहता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि 6 माह में हमने वो काम कर दिए जो 1.5 साल में हम एक काम नहीं करवा पाए थे। जिस मुख्यमंत्री के पास अपने विधायकों को मिलने का समय नहीं, जिस मुख्यमंत्री को अपने विधायक से बात करने का समय नहीं, जिस मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का क्या विकास कार्य करेगा? फिरोजी, इजली अवेलेबिलिटी अगर कमलनाथ ने बनाई होती तो शायद आज ये हश्र ना हुआ होता। ये शिकायत तो आपकी, देखिए छोटे से कार्यकर्ता से लेके
आपके कैबिनेट के कई मंत्रियों की रही है कि कमलनाथ जी सुनते नहीं हैं, कमलनाथ जी इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, ग्राउंड जीरो पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो नतीजा तो भुगतना था ना। देखिए, इजिली अवेलेबिलिटी की बात आप कहती हैं, आप खुद जनता से पूछ लीजिए, जो चीजें हमने करके दिखाई बतौर पत्रकार एक अनुभव के साथ कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बतौर पत्रकार वो आपका अलग, लेकिन उनकी सरकार जो थी वो जमीन पे दिखती थी। अभी एनसीआरबी का रिपोर्ट आई, 54% महिला अपराध कम कर दिए मध्य प्रदेश ने एक साल में, 19% ओवरऑल अपराध जो है वो कम हुए मध्य प्रदेश में। क्यों? यही पुलिस थी ना हमारे पास, तो ढीली डाली मामा की जो नंबर वन मामा थे, लेकिन बच्चियों की हत्या और रेप में नंबर वन था। सतना में किस तरह से बच्चे का अपहरण, मैंने कब कहा, मैंने कब नहीं, सुनिए आप जो कह रही है ना, मैंने ऐसा कब कहा कि बिल्कुल रामराज्य आ गया था? मैंने कहा क्या ऐसा? मैंने कहा कि हमने शुरुआत की, आपको रिजल्ट निकाल के भी दिखाए। हम मैं एक साल में, अगर आप पांच साल की आप छह ओवर किसी को छह बॉल खेलने देंगे और हमें दो बॉल खेलने देंगे, तो हमने दो बॉल खेली और आप छह बॉल का हिसाब मांगेंगे, तो मैं छह बॉल का हिसाब नहीं दे सकता ना। आप हिट विकेट हो जाएंगे तो उसमें ये अब हिट विकेट है। देखिए, ये तो पूरे देश में हो रहा है, उन्होंने वोट जनता बता रही है हिसाब निकाल निकाल के कि हमारा वोट कितने में, एक वोट कितने में बिका है, तो आप सबको पता है कि जब जो बिके हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अजय जी, 2 लाख से ज्यादा वोटर हैं, करीब 50,000 ठाकुर हैं, 35,000 अखबार मतदाता है, 15,000 के करीब ब्राह्मण है जो बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं, 10,000 से ज्यादा जाट वोट हैं। क्या लग रहा है, आपका प्रत्याशी जीत जाएगा? और अंबा में कई समस्याएं, चलिए हमने 15 महीने में तमाम भ्रष्टाचार देखे, लेकिन 2013 से लेकर 2018 तक आप ही की पार्टी का कैंडिडेट था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पूरे क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं हुआ। उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर नहीं, आपने सुना, बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ नहीं मिल पाता, आए दिन हम खबरें दिखाते हैं। सड़कों की स्थिति ये है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि सड़क पे चल रहे हैं या गड्ढों में चल रहे हैं। वहीं उद्योग धंधे है नहीं, बेरोजगार है लोग पलायन के लिए मजबूर है। आज भी ग्वालियर से, वहां से निकलते हैं लोग और दिल्ली मुंबई यहाँ पे जाते हैं अपने रोजगार के लिए। मतलब कब तक, कैसे जस्टिफाई करेंगे? वही रश्मि जी, देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस क्षेत्र की जनता, मुझे नहीं, जनता को विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से सरकार में अपने प्रत्याशी को जिताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। परंतु आपने सवाल पूछा मेरे मित्र से कि कमलनाथ जी की इजी अवेलेबिलिटी के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं था, इनसे सवाल पूछिए खेत का ये पहुंच जाते खलिहान पर। मैं ये कह रहा हूँ ग्वालियर चंबल संभाग के सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी एक एक समस्या के निदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी दलित, गरीब, किसान, महिला, छात्र, नौजवान, सबके काम के लिए, सबके विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के प्रण को लेते हुए मध्य प्रदेश एक नई विकास की अपार गाथा लिखने के लिए तैयार है, मुझे पूर्णता विश्वास है। रोजगार कैसे देंगे क्षेत्र में? देखिए, आज कोरोना काल के संकट से जूझते हुए हमने सरकारी नौकरियों के प्रति भी, आज ही आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से प्रयास सरकारी नौकरी सर निश्चित सरकारी नौकरियों में भी लेके आए। एक भी नोटिफिकेशन नहीं निकला 7 महीने में, एक भी नोटिफिकेशन नहीं निकला। हम और आप इस बात के गवाह हैं कि इस कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में भी भारतीय नौकरियां खा गए सर, निश्चित नौकरियां खा गए आएगा, लोग बाग लोग नौकरियां खा गए, जान माल पहला अधिकार है, नौकरियां तो लोगों को मिल ही जाएंगी। फिरोज जी, ये तो नौकरी दे नहीं रहे आप लोगों ने, आप लोगों ने तो ये भी कह दिया ना कि जैसे ही सरकार बनेगी बंपर भर्ती पुलिस विभाग में, पहले की तो पूरी भर्ती की नहीं है, अब कैसे? देखिए, हमारे समय में हमने अतिथि विद्वानों के 2000 पद जो थे वो यूपीएससी के माध्यम से भर दिए थे, हमने 450 पद भरे थे, जो 4500 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो अभी पार्क में लगे हुए थे धरना दे रहे थे, तो वहीं पे अगर बात करें, देखिए वो भी सुन लीजिए, आप दोनों के पास 2 मिनट का समय है, अपनी बात जनता तक पहुंचाइए। कांग्रेस का एक चीज है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि अतिथि, अरे अतिथि विद्वानों ने इतना बड़ा वो कह रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री भाई ज्योतिराज सिंधिया जी कहलाते हैं, उनकी सभा में आके बोला कि अगर आप इनकी मांग नहीं पूरी होगी
तो मैं सड़कों पे आ गया उतरे, वो कमलनाथ जी ने कहा हुआ ग्वालियर में उतरे के सड़कों पे, पूरी बेचारे लिए खड़े थे पूरी उतरे के सड़कों पे। आपके किसानों का कर्जा माफ, शिक्षा मंत्री ने कह दिया हम तो नहीं देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दिया नहीं, जो आपकी 22,000 घोषणा तो क्या हुआ ये भारतीय जनता 22,000 घोषणा का क्या हुआ, घोषणा दृष्टि पत्र का एक बिंदु बताइए क्या किया, अतिथि विद्वानों का क्या हुआ, अरे आप तो बताइए अतिथि कर्जे का क्या हुआ, आप तो बता रहे हैं बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, अरे आप तो ये बताइए ऐसा हुआ क्या हुआ, आपको नहीं आया होगा क्योंकि आप जाते नहीं है ना जमीन पे, आप लोग तो एसी के लोग हैं, जरा किसानों की चलिए तो हमारे साथ हम दिखा देंगे, आप जाइए किसानों की समस्या, अरे वो आप मोदी जी को समझाइए जाके कि काले कानून वापस ले, एक उद्योगपति किसानों की परेशानी, अरे कम से कम हम हमारा जो किसानों की दिक्कत, अरे जो किसान का पुत्र शिवराज सिंह चौहान 12,74,00,000 की संपत्ति है, 12,74,00,000 प्रदेश की जनता है वो दोनों ही पार्टियों को देख रही है, दोनों ही सरकारों का कामकाज देख चुकी है, उसने देख लिया कि 15 साल में प्रदेश का कितना विकास हुआ, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, कितने युवा आज खुश हैं और कितनों ने नौकरी नहीं होने की वजह से आत्महत्या की है, कितने इन्वेस्टर्स सबमिट हुए उनसे कितनी इंडस्ट्रीज आई है, ये भी 15 साल में प्रदेश ने देखा है। और साथ ही आईफा को लेकर जो इंतजाम किए जा रहे थे, जिस तरह से आईफा को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसका वेटेज कहां किसको मिल रहा था, ये भी प्रदेश ने देखा। हालांकि 3 तारीख को नतीजे जो है वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर देंगे और 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि किस पार्टी को सिरमौर बना रही है प्रदेश की जनता। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए फिरोज जी, बहुत शुक्रिया, और साथ ही आपका भी अजय जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, कल उपचुनाव वाली किसी और विधानसभा सीट के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।